क्या आचार संहिता का पड़ेगा मार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे 4568 भर्ती से रिलेटेड और डेडिकेटेड वीडियो खासकर पीएससी कैंडिडेट्स के लिए। तो इस वीडियो में आपके मेडिकल प्लस ट्रेनिंग प्लस जेटीसी आरटीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। प्लस बहुत सारे कैंडिडेट्स के ये कमेंट्स थे कि भैया क्या आचार संहिता हमारी भर्तियों पर इफ़ेक्ट करेगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे और बिल्कुल सटीक जानेंगे। लेकिन इसी बीच आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, ये भी देखेंगे। सारी बातें हम बहुत ही अच्छे से एंड सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल जेन्युइन होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, अगर आप 4568 भर्ती से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लेट्स सी। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको एक एप्लीकेशन दिख रहा होगा जिसमें बहुत ही बाकायदा जो भी है इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ये देखिए किस लिए दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन युवा शक्ति संगठन की तरफ से, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप देखें ना तो डेली अभी भी जो पीएससी के कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि भैया उन्होंने भी अपना एग्जाम पास किया, ठीक है, जो भी प्रक्रियाएं हैं उन्होंने भी किया, लेकिन 2018 से लेकर 2021 हो गया और अभी तक जो है उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है और परेशान होना लाजमी भी है। और इसी को देखते हुए युवा शक्ति संगठन की तरफ से ये आवाज़ उठाई गई कि भैया जो भी 35,000 प्लस कैंडिडेट हैं सबका मेडिकल प्लस ट्रेनिंग एक साथ कराई जाए। अगर ट्रेनिंग की, जैसे कि हमने एक बार आपको बताया भी था जब एडीजी स्थापना की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन ली गई थी, तो भैया उन्होंने कहा था कि जो ई सर्विसिंग है वो कोर्स कहाँ कराएंगे, है ना। तो उनका अभी ये बहाना चल रहा है, तो चलो आप वो नहीं करा सकते, कम से कम एक साथ मेडिकल तो करा ही सकते हैं, है ना। और मेडिकल तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, जेटीसी भी हो सकता है। और रही बात ट्रेनिंग की, तो भैया आप ट्रेनिंग के लिए बैठा दें, हमें थोड़ा समय दे दें, क्या दिक्कत है। बाकी अगर मेडिकल हो जाएगा तो कम से कम हम सेफ तो हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हो गई और इसी को लेकर ये पूरा आर्टिकल इसमें पब्लिश किया गया और सरकार से गुहार लगाई गई और ये कि भैया हमारा जो भी प्रक्रिया है हमें भी जल्द से जल्द जो है हमको भी नियुक्ति दी जाए। कब तक हम घर बैठे रहेंगे, जबकि हमने अपनी योग्यता जो है आपको दिखा दी, हमने फिजिकल प्रोसेस पास कर दिया, जो भी आपने स्टेप रखे थे जब हमने उसे कंप्लीट करा लिया, तो आखिर हमें अब नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो इसी बातों को लेकर जो है यहाँ पूरा ब्यौरा दिया गया है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि पीएससी के लिए अभी भी आवाज़ उठाई जा रही है और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इनको करा देना चाहिए, लेकिन इनका बहाना ई सर्विसिंग कोर्स को लेकर चल रहा है अभी। तो अब देखिए बात यहाँ ये आ जाती है कि कब तक होगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो देखिए, पुरानी भर्तियों पर आचार संहिता लागू नहीं होता है, ठीक है, ये बात आप मान के चलो। बाकी इलेक्शन आने वाला है, नई भर्तियाँ भी बहुत ही बम्पर भर्तियाँ आएंगी, है ना। और जो भी ये भर्तियाँ हैं, और देखिए अगर हम आपकी मेडिकल प्लस ट्रेनिंग की बात करें तो फर्स्ट जो सेकेंड बैच है वो तो 8 मार्च से उनका मेडिकल स्टार्ट है, जेटीसी उनका अप्रैल में 22 अप्रैल से स्टार्ट है, यानी कि 11 मई को जब फर्स्ट बैच का पीओपी समाप्त होगा उससे पहले ही जो सेकेंड बैच वाले हैं उनका मेडिकल प्लस जेटीसी कंप्लीट हो जाएगा। देन यही प्रक्रिया आपके भी बैच पे लगेगा, जैसे कि 41,500 में जो सिविल वाले कैंडिडेट गए थे, एक डेढ़ महीने पहले ही पीएससी वाले कैंडिडेट्स को मेडिकल प्लस ट्रेनिंग के लिए बुला लिया गया। उसी तरह जो भी पीएससी कैंडिडेट हैं आप सभी का सितंबर प्लस अक्टूबर में, ठीक है, सितंबर प्लस अक्टूबर में आप सभी की मेडिकल की प्रक्रियाएँ चलेंगी और नवम्बर में आपके जेटीसी स्टार्ट करा लिए जाएंगे, ठीक है। तो यही सारी बात है और आपकी भर्तियों पर कोई भी आचार संहिता लागू नहीं होता है, आप सभी परेशान मत होइए, ठीक है। आपने इतना ज़्यादा दिन वेट किया है, बस कुछ और दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं गवर्नमेंट पर एक नंबर पर ट्रेंड किया कि भैया हमें रोज़गार दे दो, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप भी युवा है, अब आप खुद आगे समझ सकते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। भैया अपने हक के लिए आगे आना होगा, है ना। और जब आ रहा है कोई तो भैया ये सरकार बिल्कुल कान
मुद्रा है। और अभी आपने ट्विटर के माध्यम से भी देखा होगा, जब रोजगार तो ट्रेंडिंग कर रहा था तो भैया जल्दी से सीएमओ ऑफिस की तरफ से ये ट्वीट करके कह दिया गया। अभी देखिए ना, सीएमओ ऑफिस की तरफ से ये ट्वीट करके कह दिया गया है कि हमने 137,000 की जो भर्तियां निकाली थी हमने वो कंप्लीट करा दी। अब इनको कौन बताए कि 35,000 प्लस कैंडिडेट अभी भी बैठे हैं, 41,520 में भर्ती में 5,000 प्लस कैंडिडेट अभी भी घर बैठे हैं, केस में कोर्ट केस में चल रहा है। और ये जो 37,000 गिना रहे हैं, मतलब 137,000, इसमें UPSI की भर्ती तो अब आई है जिसको ये इसमें काउंट कर लिए हैं, और जो जेल वार्डर का रिजल्ट है वो अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने कहा हम पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, हमने पारदर्शिता तरीके से हमने भर्ती कंप्लीट करा दिया है। तो अब यही सारी बातें हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी परेशान मत होइए, जो भी प्रक्रियाएं हैं आपकी चलेंगी सितंबर अक्टूबर में, तो बने रहिए चैनल के साथ, आपको हर अपडेट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने आप को सेफ रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।